जिसका आयोजन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में हुआ, वहाँ पे भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। हालांकि कोई पोजीशन नहीं आई, लेकिन इनके जो 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 क्विज का लेवल था वो काफ़ी सराहा गया, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम भी होता है तो हमारे बच्चे थोड़ा सा क्विज में वहाँ पे पीछे रह जाते हैं। अदरवाइज जो जो टीचर्स गए थे और लोग हमारे साथ डिस्कस होते, उन्होंने कहा कि चंबा का मेडल आ सकता था, थोड़ी ही डिफरेंस से हम पीछे रहे। इस तरह महोदय डिस्ट्रिक्ट लेवल कल्चरल कंपटीशन पहले ब्लॉक लेवल पर होता है, ब्लॉक लेवल कल्चरल कंपटीशन हमारे स्कूल में ही हुआ था जो कि हमारे माइनर गेम्स थे, उसमें हम ओवरऑल चैंपियन थे। इस तरह जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट था वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुड्डू में हुआ, उसमें इस स्कूल के विद्यार्थी रोहित कालिया, ईश्वर व सुजल कुमार ने एकल गायन में पार्टिसिपेट किया जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सिलेक्ट हुए थे, तथा आदर्श ठाकुर ने भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया और ये बच्चा जो है स्टेट के लिए सिलेक्ट हुआ। और स्टेट जो टूर्नामेंट था कल्चर टूर्नामेंट, उसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुब्बल जिला शिमला में जिसका आयोजन हुआ, उसमें इस आदर्श ठाकुर ने हमारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया। महोदय मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ये आदर्श ठाकुर जो लड़का है हमारा, अभी 28 दिसंबर को चंबा में दरबार हाल में एक कंपटीशन होने जा रहा है जो कायाकल्प एनजीओ है, माननीय शांता कुमार जी जिसके अध्यक्ष हैं। 12 जनवरी को पालमपुर में स्टेट लेवल का टूर्नामेंट होगा, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट हो रहे हैं, वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। उससे पहले हमने ब्लॉक से अपने स्कूल से इस बच्चे को हमने नॉमिनेट किया है, इसने बाकियों को बीट किया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी 28 दिसंबर को दरबार हाल में अपनी प्रस्तुति देने जा रहा है। हम होप करते हैं कि ये बच्चा जरूर स्टेट में पहुँचेगा। इसी तरह हमारे विद्यालय से NSS के दो छात्र व दो छात्राओं ने एक लीडरशिप कैंप होता है उसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदमा जिला कांगड़ा में हुआ, उसमें भाग लिया व एकता भातृत्व व भाईचारे के गुणों को आत्मसात किया। महोदय एक और कंपटीशन है जो यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन होता है, तो यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन पहले ब्लॉक लेवल पर होता है, इस तरह डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर 2-4 सालों से गवर्नमेंट ने यह कंपटीशन शुरू किया है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरकुंड ने फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया और ब्लॉक लेवल का टूर्नामेंट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मसूंड में हुआ जिसमें हम प्रथम रहे, फर्स्ट रहे, प्याणी ब्लॉक में हम फर्स्ट रहे। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है वो मेला में हुआ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेला में, जिसमें हर एक ब्लॉक से एक स्कूल जाता है, 14 ब्लॉक वहाँ पर इकट्ठे होते, उसमें भी हमारी थर्ड पोजीशन रही। और इसमें जो महोदय जो फर्स्ट पोजीशन रहती हो सिंहता की रहती हो, 3-4 सालों से लगभग उसी टूर्नामेंट में फर्स्ट पोजीशन ले रहा है। और सेकंड पोजीशन जो है ब्रे स्कूल में रही जो कि मेरा पुराना स्कूल था, और थर्ड पोजीशन जो है हमारी इस विद्यालय की रही। तो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया हमने, पार्टिसिपेट किया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थर्ड पोजीशन हमने हासिल की। इस तरह विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवसों व सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों में भी बढ़ चढ़ कर बच्चे भाग ले रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं। मुख्य रूप से इस कड़ी में अप्रैल माह में विद्यालय में एक इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब बनाया गया है जिसने बच्चों को भी जागरूक किया और यहाँ पे हमने एक पब्लिक भी आई थी जिनको हमने इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब के थ्रू बच्चों को मतदान के बारे में जागरूक किया। इस तरह वर्ष भर के दौरान विद्यालय में विभिन्न गैर शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया गया जिनका विवरण इस प्रकार से है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 9 मई को एथिकल वोटिंग डे, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस व 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तथा 21 जून को योग दिवस के उपलक्ष्य पर विद्यार्थियों द्वारा स्वास्थ्य और योग विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया व फिट इंडिया का लाइव कार्यक्रम भी दिखाया गया। इसी तरह 26 जून को ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया जिसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं जैसे पेंटिंग कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग, एसे राइटिंग, डेक्लेमेशन कंपटीशन का आयोजन किया गया। महोदय 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। इसी प्रकार अक्टूबर मास में स्वच्छता के अंतर्गत कई कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विद्यार्थियों का मेडिकल टेस्ट करवाया गया व 31 अक्टूबर को एकता दिवस के उपलक्ष पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया जिसमें अध्यापकों व विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक नशा निवारण माह मनाया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी मेडिकल ऑफिसर शक्ति देरा डॉक्टर अभीष ठाकुर द्वारा बच्चों को संबोधित किया गया। आपदाओं से बचने के लिए समय समय पर महोदय मॉकड्रिल का आयोजन विद्यालय प्रबंधन द्वारा किया जाता है। इसी तरह शिक्षा विभाग द्वारा एक अलग से इस साल कंपटीशन शुरू किया गया, GK कंपटीशन। उस कंपटीशन में भी इस विद्यालय की 2 छात्राओं कुमारी प्रिया भारद्वाज व कुमारी मोनिका ने
सीनियर आर्ट्स कैटेगरी में यानी कि प्लस वन टू के आर्ट्स का जो कंपटीशन है उसमें ब्लॉक लेवल पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की, जिसका आयोजन कियाणी में हुआ। इस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इन बच्चियों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की और स्टेट के लिए क्वालिफाई हुई। और स्टेट का टूर्नामेंट अभी 29 नवंबर को ही परी महल शिमला में हुआ था, जिसमें भी इन बच्चियों के इसको परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहा गया। मान्यवर, अब मैं आपके समक्ष उन सुधारों को प्रस्तुत करना चाहूँगा जिनका हमने इस सत्र यानी कि 2019-20 में शुभारंभ किया है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि इस सत्र में हमने 6th क्लास में मैथमेटिक्स और साइंस की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से शुरू की है। दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय में हमने पूरे विद्यालय में 22 CCTV कैमरा लगाए हैं, जिसमें बच्चों की हर एक गतिविधि का सुपरविजन आसानी से हो जाता है। साथ में SMC व स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों के सहयोग से स्कूल भवन निर्माण के कुछ लंबित कार्यों को पूर्ण किया जा रहा है, जिसमें एक बाउंड्री वॉल जो काफ़ी समय पहले डैमेज हो चुकी थी उसका कार्य शुरू किया गया है। एक कमरा वो भी काफ़ी 4-5 सालों से जिसका काम लंबित पड़ा था, वो काम भी प्रधान ग्राम पंचायत सिरकुंड ने अपने हाथों में लिया है। और PWD द्वारा निर्माणाधीन जो 2 कमरे हैं वो लगभग पूरे हो गए हैं। मैंने महोदय से अभी थोड़ी सी बात की है कि वो थोड़ा सा ऊपर काम बचा है, तो वो भी कुछ ही समय में मुझे आशा कि विद्यालय के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। अब मैं महोदय का विशेष ध्यान विद्यालय की कुछ आवश्यकताओं की ओर आकर्षित करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप इनका शीघ्र निदान करें। मान्यवर, जैसे कि मैंने जिक्र किया पहले कि ये विद्यालय इमारत काफ़ी पुरानी है, अलग अलग स्टेज में विद्यालय बना है, एक मुश्त नहीं बना। इसका निर्माण अलग अलग समय पर अलग अलग संस्थाओं द्वारा किया गया, कुछ बिल्डिंग जो PWD द्वारा बनाई गई, कुछ ब्लॉक वालों ने बनाई, कुछ कमरे काफ़ी पुराने हैं, उनकी मरम्मत अति आवश्यक है। कई जगह पर छत से पानी टपकता है और कई कमरों में फर्श पूरी तरह से उखड़ गए हैं। हमारे बिल्डिंग फंड में इतना पैसा नहीं होता है। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिटेक्टर महोदय से भी कुछ फंड देने की गुजारिश की है, वहाँ से भी कुछ फंड हमें मिलेगा, लेकिन तब भी हमारे जो रिपेयर का काम है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो महोदय से आग्रह रहेगा कि हमारे इसके कमरों की रिपेयर के लिए अगर महोदय अगर हमें धन उपलब्ध कराएं तो बहुत मेहरबानी होगी। इस तरह महोदय, स्कूल की बाउंड्री वाल को भी मरम्मत की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ हिस्सा जो गिर गया था उसका काम तो चालू हो गया है, लेकिन जो बची हुई है बाउंड्री वाल उसको भी रिपेयर की ज़रूरत है, उसका पेंट उखड़ गया है। साथ में बाउंड्री वाल पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ नहीं लगी है, हमारा स्कूल का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर बाउंड्री वाल की ज़रूरत है। अतः महोदय से आग्रह रहेगा कि इसके लिए भी अगर ध्यान उपलब्ध करवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। साथ में महोदय से आग्रह है कि ये जो मंच है यहाँ पर जहाँ पे हम आयोजन कर रहे हैं इसके ऊपर अगर छत बन जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे टूर्नामेंट्स भी होते हैं, अच्छा ग्राउंड है हमारे पास, टूर्नामेंट्स भी होते हैं और एनुअल फंक्शन भी हमने करना होता है, मॉर्निंग असेंबली भी करना होती है। महोदय, तो इसके ऊपर अगर छत बन जाए एक तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, तो इसके लिए भी ध्यान अगर उपलब्ध हो जाए तो महोदय से मेरी गुजारिश रहेगी। महोदय, एक स्पेशल जो मेरी डिमांड है वो, क्योंकि ये हमारा विभाग उसको पूरा नहीं कर पाएगा, वो आपके आशीर्वाद से और PWD के कॉपरेशन से ही ये डिमांड हो पाएगी। वो डिमांड ये है कि जो हमारा अंदर का कैंपस है, जैसे सरौल स्कूल है, तीन तरफ से बंद और चौथी तरफ से खुला है, इस तरह हमारा कैंपस भी लगभग उसी तरह का अंदर वाला कैंपस, और हम चाहते हैं कि बीच में जैसे सरौल में उन्होंने छत लगाई है, NHPC ने वहाँ पे ये धन प्रोवाइड करवाया था, लेकिन हमने यहाँ पर NHPC को अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि आपका जो एरिया है सिर्फ उन NHPC अफेक्टेड एरिया में नहीं आता है, तो क्योंकि इसमें तो काफ़ी धन की ज़रूरत है और टेक्निकल एक्सपर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एस्टिमेट बनाना है वो भी हमारे बिल्डिंग फंड कमेटी वाले नहीं बना पाएंगे, PWD का सहयोग जाएगा। तो ये हम विशेष आग्रह महोदय से करना चाहेंगे कि अंदर जो हमारा कैंपस है उसके ऊपर अगर छत लग जाए, तो जैसे मौसम कभी गर्मी ज़्यादा होती है, हमने बहुत सारा साल प्रोग्राम्स करने होते हैं, बच्चों को अलग अलग डेज मनाना होते हैं जिसमें हमें सारे बच्चों को इकट्ठा करना पड़ता है, बाहर बिठाएंगे तो धूप है या बरसात में बारिश होती है, तो अगर वो अंदर छत लग जाए तो बहुत ही मेहरबानी होगी। तो ये महोदय से मेरी गुजारिश रहेगी, जो मैंने डिमांड्स और अपने स्कूल की जो आवश्यकताएँ रखी हैं उनको पूरा करेंगे। इसके अलावा मैं विद्यालय के अन्य पहलुओं के विकास के लिए समय समय पर विद्यालय प्रबंधन समिति, पंचायत प्रतिनिधियाँ व अभिभावकों ने प्रशंसनीय व पूर्ण सहयोग दिया है पूरे साल भर। मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप सबका सहयोग हमें इसी तरह मिलता रहेगा। अतः मैं आप सबके यहाँ पधारने पर और विशेषकर मुख्य अतिथि महोदय का, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे आग्रह को स्वीकार किया, आपका सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आप लोगों ने हमारे विद्यालय की रिपोर्ट जो थी,
विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी जो है वो हासिल की। तो हमारा विद्यालय जो है वो दिन रात जो है बच्चों की प्रगति के लिए लगा हुआ है। सभी अध्यापक जो है तन मन धन से मेहनत कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो स्टेट लेवल तक पहुंचकर उपलब्धियां जो हैं अपनी पोजीशन जो है वो हासिल कर रहे हैं। कार्य इन बच्चियों के लिए इनके उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियां कीर्ति एवं अनिशा। कीर्ति दी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत में चंद शब्द कहें। जरूर अनिशा, आए हमारे आप आए तो आपके साथ खुशियाँ ही खुशियाँ आई। आप आए तो आपके साथ खुशियाँ ही खुशियाँ आई। मैं सो जाने को मन करता है जब आप हो साथ मेरे, जब आप हो साथ जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा है, और माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा। दुनिया मेरा जहान हो, मेरे लिए आप ही सबसे महान। बैठ जाओ। थैंक यू सर। यस सर। रोल नंबर 1। यस सर। रोल नंबर 2। यस सर। रोल नंबर 3। यस सर। रोल नंबर 4। सैम सर। कहाँ है वो इतने दिन से? बीमार है सर। अच्छा। रोल नंबर 5। यस सर। बच्चों, मैंने आपको कल टेस्ट दिया था, याद है? यस सर। जिसका शीर्षक है मेरे प्यारे दादा दादी या मेरे प्यारे नाना नानी, उस पर आप लोगों ने एक लेख लिखना है, ठीक है? यस सर। ये लेख 150 से 200 शब्द का होना चाहिए, ठीक है? यस सर। ध्यान देना कि जब आप लेख लिख रहे होंगे तो वो आप अपने दादा दादी को याद करते हुए लिखना या उन्हें महसूस करते हुए लिखना, ठीक है? यस सर। कोशिश करना कि ये लेख सत्य पर आधारित होना चाहिए, ये किताब से रटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है? यस सर। तो तैयार हो? यस सर। तो निकालो कॉपी। आपका समय शुरू होता है। सबकी कॉपी लेके आओ। कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलिए मिस्टर राकेश, आप बहुत चिंता में लग रहे हैं। सर बात ही कुछ ऐसी है। सर मैंने आज 7th क्लास का टेस्ट लिया था। ओके। सर सभी बच्चों ने अच्छा किया है। वेरी गुड। सर जब मैं प्रदीप का टेस्ट देख रहा था तब मैं सर दंग रह गया। ऐसा क्या लिखा है प्रदीप ने टेस्ट में? सर आप खुद ही देख लीजिए। मेरा नाम प्रदीप है, मैं 7th कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानी सुनाती है और मेरे दादाजी मुझे मेरे पापा की बचपन की शरारतों के बारे में बताते हैं और वे ये भी कहते हैं कि मेरे पापा बचपन में बिल्कुल मेरे जैसे थे, नटखट और शरारती। जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे तो मेरे दादाजी उन्हें कंधे पर उठाकर मेला देखने ले जाया करते थे। जब खेलते खेलते मेरे पापा गिर जाते थे और रोने लगते थे तो मेरे दादाजी उन्हें गोद में उठाया करते थे
और वे चुप हो जाते थे। लेकिन आज जब मेरे दादा को उनके सहारे की जरूरत है तो वे अपनी जिम्मेदारी और फर्ज से पीछे हट रहे हैं। मेरी माँ अक्सर मेरे दादा दादी को कोसती रहती है। वे कहती है कि जब बूढ़ा बूढ़ी मर जाएंगे तो उसे चैन मिल जाएगा। ना ही मेरी माँ उन्हें समय पर खाना खाने को देती है और ना ही नए वस्त्र पहनने को देती है। मैं पिछले एक साल से अपने दादा दादी के कमरे में नहीं गया हूँ क्योंकि मेरा वहाँ जाना मेरे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता। मेरे पापा कहते हैं कि मेरे दादा दादी पुराने जमाने के हैं और उनकी सोच भी पुरानी है। अगर मैं उनसे बात करूँगा या उनके साथ रहूँगा तो मेरी सोच भी पुरानी हो जाएगी और मैं ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू दादा दादी। सोचनीय विषय है। यस सर, हमें प्रदीप से बात करनी चाहिए। हाँ जी सर। कमिन भाग्यराम, सेवंथ क्लास में से प्रदीप को बुला के लाओ। सेवंथ क्लास में प्रदीप कौन है? प्रिंसिपल सर ने बुलाया। मैकमिन सर। कमिन। हेलो प्रदीप बेटा, कैसे हो तुम? बेटा जो ये निबंध तुमने लिखा है क्या वे सत्य है? यस सर, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने जो लिखा है सब कुछ सत्य है। कूल डाउन बेटा, कूल डाउन, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। अब तुम ज्यादा दिन अपने दादा दादी से दूर नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। बेटा जाओ, तुम मन लगा के पढ़ाई करो। मिस्टर से कीजिए कि अभी के अभी प्रदीप के पापा को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि प्रिंसिपल आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो। हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप प्रदीप के पापा बोल रहे हो? जी हाँ सर, मैं प्रदीप का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। कहिए सर, क्या बात है, क्या कोई चिंता का विषय है? नहीं सर, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, आपसे कुछ बात करनी थी। ठीक है सर, मैं स्कूल में छुट्टी होने से पहले स्कूल में पहुँच जाऊँगा सर। ठीक है सर, धन्यवाद। पापा को वो आ रहे हैं सर आप स्कूल। नमस्कार सर, ये आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, आपसे जरूरी बात करनी थी इसलिए आपको बुलाया है। कहिए सर, क्या बात है, क्या प्रदीप ने स्कूल में कोई शरारत की है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वे तो बहुत अच्छा लड़का है। दरअसल हमारे स्कूल ने एक नया नियम बनाया है जिसके अनुसार आप अपने बच्चों से हिंदी या पंजाबी भाषा में बात नहीं करेंगे, आप केवल उनसे इंग्लिश में ही बात करेंगे। क्योंकि आपका बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और आप उसे इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो वे इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। लेकिन सर हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हम तो एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़े हैं और इंग्लिश में बात करना हमारे लिए एक मुश्किल कार्य है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, आप कोशिश करेंगे तो थोड़े ही दिनों में इंग्लिश सीख जाएंगे। आप तब तक प्रदीप से बात नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ रूल जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती। माना सर कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए तो हमने अपने बेटे को इस स्कूल में दाखिला करवाया है ताकि वे हमसे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके और एक बेहतर इंसान बन सके। मेरा एक और सवाल मिस्टर बजाज आपसे कि जो सुविधाएं आपको मिली थी क्या वे सुविधाएं आपके पापा के टाइम में थी? बिल्कुल नहीं सर, उसमें तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। यदि कोई एक आधा स्कूल हुआ भी करता था तो सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं जाया करते थे। यही समझाने के लिए तो आपको बुलाया मिस्टर बजाज, मतलब कि ये कि आपके पापा के टाइम में उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतने स्कूल नहीं थे। आपके टाइम में रेडियो, टेलीविजन, लैंडलाइन सिस्टम आए, लेकिन आपका बेटा जिस टाइम में पैदा हुआ है वे टाइम इंटरनेट तथा हर लोगों के पास मोबाइल, लैपटॉप तथा कंप्यूटर है। साधारण भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी ने तो इंसान को भी हाईटेक कर दिया है। आप कहना क्या चाहते हैं सर, साफ साफ कहिए, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। दरअसल हमने बच्चों का एक निबंध टेस्ट रखा था जिसमें उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखा है, लेकिन जो आपके बेटे ने लिखा है उसने मेरी अंतरात्मा को झकझोर करके रख दिया। आप खुद ही देख लीजिए। मेरा नाम प्रदीप है,
मैं सातवीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू दादा दादी। देखिए मिस्टर बजाज, मेरा मकसद आपकी इंसल्ट करना नहीं था। आपका बेटा बहुत ही अच्छा और होनहार विद्यार्थी है। बच्चे तो एक मिट्टी की तरह होते हैं। माँ बाप और अध्यापक उन्हें जो भी रूप देना चाहें दे सकते हैं। बच्चे का दिमाग एक कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव के तरह होता है, जिसके अंदर जिस प्रकार का डाटा डालो उसके अंदर उसी प्रकार का डाटा भर जाता है। बस कीजिए सर, बस कीजिए। जाने ना जाने में मुझसे और मेरी बीवी से बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए सर। बस करिए मिस्टर बजाज, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। माफी मांगनी है तो अपने माँ बाप से मांगिए, जिनके आप गुनाहगार हो। आपने सही कहा सर, मैं अपने माता पिता और अपने बेटे का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं अपने बेटे प्रदीप को उसकी दादा दादी से मिलने के लिए कभी भी मना नहीं करूँगा। ये हुई ना बात मिस्टर बजाज, चलिए आपके घर चलते हैं। मत कर दर किनारियों, दिल से जिसने निकाला है। संग रहना, संग चलना, संग दुख सुख सहना, यही तो पीढ़ियों का संगम है। यही तो पीढ़ियों का संगम है। यही तो पीढ़ियों का संगम है। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, उनका नाम ना यहाँ से लूं, जिन अध्यापकों ने अपनी कड़ी मेहनत से इस प्रोग्राम को सुपर क्या सुपर डुपर बनाया है और जिनके मार्गदर्शन में आज ये बच्चे अपनी बहुत बेहतरीन जो प्रस्तुतियां हम आप सबके समक्ष दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए और उन अध्यापकों के लिए एक बार भी कहना तो बहुत जरूरी बनता है। बहुत वार्म वेलकम उनके लिए बनता है। उन अध्यापकों के लिए मैं एक चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि आज नीले रंग का आसमान, आज नीले रंग का आसमान है। हमारे टीचर स्कूल की शान है। हमारे टीचर स्कूल की शान है। चलो आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। मैं छोटी सी पहेली दूंगा, उस पहेली के द्वारा आपने गेस करना है बच्चों कि भाई अब जो अगला कार्यक्रम है, अगली जो प्रस्तुति है वो क्या होने वाली है। तो वो आपने इस पहेली के द्वारा समझना है कि तरह तरह के आसन है, भिन्न भिन्न है नाम, शरीर के हर अंग को मिलता है इनसे आराम। योगा, वेरी गुड, आपका बहुत बढ़िया गैस है कि एक आर्टिस्टिक योगा, एक योगा डांस लेकर हमारे इस विद्यालय की नन्ही नन्ही सी छोटी छोटी सी बच्चियां आपके समक्ष एक बहुत ही मनोरम, एक बहुत ही दिलकश एक प्रस्तुति आपके समक्ष रखने जा रही हैं। शिवानी और उनकी साथियां, एक बार वेलकम और एक बार उनके लिए बिग हैंड, जोर से तालियां जितना आपका जो खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियां, चांद की छली कोई
इन छोटी छोटी बच्चियों की एक प्यारी सी योगा डांस की एक पुनः अगर जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करेंगे तो इन बच्चों का और उन्होंने इनके पास समय का भी अभाव है। मैं चाहूंगा बच्चों और होनहार एक बच्ची पायल डिंपल और ममता एक बार चूड़ियां ले लो कुछ सैलनिया कुछ
पंगड़ियाँ, ये एक बहुत ही अच्छा चंबा और जम्मू की जो संस्कृति है, मिला जुला कठुआ और ये जो यहाँ का इलाका है, ये मिली जुली संस्कृति जो यहाँ पर प्रस्तुत की इन बच्चियों ने। अब मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे सीडवार्ड की जो सदर के विधायक श्री पवन नेहर जी, वो उनके साथ आए हुए हैंड रोम, वो हैंडीक्राफ्ट के डायरेक्टर, वो मंडल के अध्यक्ष श्री विनोद जी, वो स्थानीय पंचायत के उप प्रधान जर्म सिंह जी, प्रधान श्रीमती मधुबाला जी, वो यहाँ पर उपस्थित विभाग के कर्मचारी, वो मीडिया से आए हुए बंधु, वो मेरी पंचायत के सामान्य जनता, इन सब का मैं अपनी स्थानीय पंचायत सिरकुंड में आने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही मैं स्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक गण, SMC के अध्यक्ष का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस स्कूल के एनुअल फंक्शन में मुझे फिर से सम्मिलित होने का मौका दिया। आज स्कूल में एनुअल फंक्शन है, ज्यादा भाषण तो मेरा बनता नहीं है, क्योंकि आज हमारा मार्गदर्शन व हमारी भी कुछ मांगे हैं जो विधायक महोदय जी के समक्ष रहेंगी।
कुछ एक कार्य जो कई वर्षों से हमारी पंचायत में नहीं हुए थे, जो ऐतिहासिक बजट की स्वीकृति हमारे इलाके के लिए हुई है, इसलिए हमारा विधायक महोदय का धन्यवाद करना फर्ज बनता है और हमें इनका धन्यवाद करना भी चाहिए। विधायक महोदय जी, आपके अथक प्रयासों से हमारे चंबा सिरकुंड रोड की तंग मोड़ की कटाई भी हुई थी। फिर आपने भद्रम से मसून तक रोड को चौड़ा करने के लिए जो 26 करोड़ की राशि PMJY सेकंड में स्वीकृत करवाई है, इसके लिए मेरे वार्ड व हमारी पंचायत आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है। लड्डी से घर ग्रां तक जो PMJY में 6 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। विधायक महोदय, आपने सरकार बनते ही पहले ही 3 महीने में लड्डी ट्रांसफार्मर की स्वीकृति देकर हमें यहाँ बिजली की समस्याएं जो थी वो उसको खत्म किया। उसके बाद विधायक महोदय ने लिंक रोड कुड़गल के लिए भी विधायक निधि दी, वो लड्डी स्कूल के लिए भी विधायक निधि दी, जो हमारे उप प्रधान श्री जन्म सिंह के माध्यम से कार्य हुआ। उसके बाद इन्होंने नजलेरा आंगनबाड़ी के लिए भी विधायक निधि दी। ये जितने भी कार्य हुए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। महोदय, इस सरकार के आते ही हमारी पंचायत में करोड़ों की स्वीकृति रोड के लिए हुई है, जिसमें छोटे लिंक रोड, कुड़गल का लिंक रोड वो जिला परिषद के बजट के द्वारा भी से भी द्वारा भी बुल्लू से सरियारू छोटन फाट पत्र चुरवाड़ सालुनी तक हमारे गांव जुड़ गए। हम महोदय, हमारी पंचायत 2 विधानसभा क्षेत्र में आती है, जिसमें से माननीय उपाध्यक्ष जी ने भी 2 लिंक रोड, एक देगा से PSC शक्ति देरा तक के लिए विधायक निधि दी। वो टिकरी से शक्ति देरा जो 35 वर्षों का काम डिस्प्यूट में था, वो रोड टिकरी व शक्ति देरा रोड जुड़ने ही वाला है, जिसका काम शुरू है। और भी अनेकों कार्य हुए हैं जिसके लिए हमारी सिरकुंड पंचायत, जो कि चंबा विधानसभा क्षेत्र की अंतिम पंचायत है, जिसकी मूलभूत सुविधाएं आपके कार्यकाल में पूरी हो रही हैं, इसके लिए हमारी पंचायत के लोग हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। इसके अलावा हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गृह निर्माण हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना में किसानों के खातों में पैसे डाले गए, लेकिन मेरे वार्ड में कुछ बड़े लोग पंचायत प्रतिनिधि हैं जो बोलते हैं कि सारा काम जो है हमने करवाया है और आपका नाम जो है हमने भर भर के दे दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की योजना न होती तो आपने किसका नाम भरना था? तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि गुमराह ना हो और पार्टी के नाम पर मतलब एक दूसरे की जो है टांग ना खींचे, क्योंकि हमें लोगों ने चुन के जो भेजा है तो वो काम करवाने के लिए भेजा है, ताकि हमारा जो है वो हम अच्छी तरह से काम कर सके। आज हमारे विधायक महोदय के प्रयासों से हमारे स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो रहा है, मूलभूत समस्याओं का निपटारा भी हो रहा है। विधायक महोदय व विधानसभा उपाध्यक्ष जी ने हजारों के हिसाब से उज्ज्वला व गृहिणी सुविधा योजना से गैस कनेक्शन बांटे गए। हमारी भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत रहा है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिले। वो हमें चंबा विधानसभा की अंतिम पंचायत, वो चुरा विधानसभा की अंतिम पंचायत को भी ऐसी कई योजना का लाभ मिल रहा है। इस मूल उद्देश्य को हमारे विधायकगण पूरा कर रहे हैं, इसके लिए हम व हमारी पंचायत के लोग हमेशा इनके ऋणी रहेंगे। आज इनके प्रयास से हमारी माता बहनें द्वार घुड़ा घर ग्रां तक लकड़ी लेने जाती थी ताकि खाना बनाया जा सके, लेकिन अब हर घर में गैस कनेक्शन से हमारी माता बहनों को धुएं से छुटकारा मिल रहा है। अब जैसे विधानसभा में बैठे हमारे नुमाइंदे हमारी समस्या के लिए विधानसभा में लड़ते हैं और हमें मूलभूत सुविधाएं देते हैं। और हमारी पंचायत की कुछ मांगे हैं जिसको हम विधायक महोदय के समक्ष रखेंगे, जिसमें से आप अपने सुझाव दे सकते हैं। जैसे द्वार महादेव के मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से डेवलप किए जाए। महोदय, ये हमने जो मांगे हैं ये पहले भी रखी थी और मैं दोबारा फिर से रख रही हूँ। और दूसरा है हमारा शीतला माता मंदिर घुड़ार के सराय के निर्माण के लिए पिछली बार भी डिमांड की थी, अभी तक नहीं हुआ है, उसके लिए राशि स्वीकृत की जाए। सिरकुंड पंचायत में रवाड़ी व थमास में वेटरनरी हॉस्पिटल की हमारी मांग है।
और अंतिम मांग है ये जो सिरकुंड से लेकर स्कूल तक जो रोड है ये कथेटू से कथेटू भी जुड़ जाता है इसके साथ तो अच्छा था। इसकी लगभग ये जो है 500 मीटर है और मैं चाहती हूँ कि महोदय हमारी जो मांगे हैं उन पे गौर फरमाएं। हमने जिला परिषद होने के नाते आपकी वो हमारे इलाके की सभी पंचायतों की मांगों को हर मंच पर उठाने की पूरी कोशिश की है। हमारा बजट कुल 9 या 10 लाख होता है जिसको पूरा करना बहुत ही कठिन होता है, परंतु मैंने वो मेरे हस्बैंड जो हैं जो युवा मोर्चा के जिला के महामंत्री हैं हम दोनों ने हमारे इलाके की समस्याओं को प्रशासन सरकार वो हर मंच पर रखा है ताकि आप लोगों ने एक गरीब परिवार के ऊपर विश्वास जताया था उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है, परंतु किसी की शिकायत होती है कि मेरा डंगा नहीं लगा। हमें अपने बड़े काम के लिए दंगे ये छोटी छोटी शिकायतों को भूलना पड़ेगा ताकि हम अपने बड़े बड़े विकासात्मक कार्यों को पूरा कर सकें। और मेरा बच्चों से भी आग्रह है कि नशे से दूर रहें और पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, हम चाहते हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें ताकि हमारी पंचायत जिला व प्रदेश में आप अपना वो अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बाकी कुछ बच्चों के लिए सहयोग राशि देना चाहूंगी। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी देर से मुझे सुना। आप इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे तो हम दिन रात अपने इलाके की तरक्की के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। हिमोत्कर्ष से भी उसने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है प्राइस जीता है, बहुत ही होनहार वो बच्चा है। और एक जो एक लड़की है वो प्लस वन में पढ़ रही है। अगर महोदय अगर आप उनको किसी प्रकार का अनुदान दिलवाने की अगर कृपा करें तो बहुत मेहरबानी होगी। इसी तरह से हमारे जो यहाँ पर जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं महोदय, जैसे एक महिला मंडल है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इस दिशा में, कई प्रकार के सामाजिक काम कर रहे हैं, उनके प्रधान सेक्रेटरी भी आए हुए हैं। अगर आप उनको भी किसी प्रकार का अनुदान दिलवाने की कृपा करें। इलाज बीमारी से पीड़ित है और एक 8-9 सालों से जो है वो व्हीलचेयर पर है और एक को कैंसर की बीमारी से काफ़ी ज़्यादा होगी। मैं इस कार्यक्रम की क्योंकि आपका चाहूँगा हमारे इतिहास के प्रवक्ता श्री उधम जी को कि वो आगे का जो कार्यक्रम है। थैंक यू डीपी सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बच्चे का संवर्धन करें 77.93% फर्स्ट पोजीशन, सेकंड 70.28%, जोरदार तालियां। सिंह शिवानी डॉक्टर ऑफ श्री पंचेम सिंह 84.10, अक्षित शर्मा सन ऑफ श्री विमार सन ऑफ श्री त्रिलोकनाथ, मुकेश कुमार सन ऑफ श्री त्रिलोकनाथ, डॉक्टर नाती है क्लास 8 की। बच्चों जोरदार तालियों के साथ बच्चों का संवर्धन। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है राइट, हमारे स्कूल का ये स्टूडेंट है। जोरदार तालियां। थर्ड पोजीशन धीरज कुमार सन ऑफ श्री ज्ञानचंद प्रसेंट, थर्ड पोजीशन धीरज, बहुत ही हमारा स्कूल का होनहार छात्र है। सेकंड पोजीशन पे आती है अर्पिता ठाकुर डॉक्टर ऑफ श्री भोगिंदर प्रसेंट, थर्ड पोजीशन स्नेहा शरीफ 82.41%, थर्ड पोजीशन 93, और ये मेरिट में है बच्ची, बहुत ही मेरिटोरियस है। आरुषि शर्मा है, जोरदार तालियां बच्ची के लिए, हमारा विद्यालय किसी से कम नहीं है। आदर्श ठाकुर बहुत ही होशियार बच्चा है, आदर्श ठाकुर और सन ऑफ श्री भोगिंदर 84%, बहुत ही बढ़िया पोजीशन है बच्ची की, थर्ड पोजीशन में है। अब हमारे विद्यालय में साइंस स्ट्रीम 83.6% फर्स्ट पोजीशन, सेकंड मेडिकल से ये छात्राएं मेडिकल और नॉन मेडिकल 70.80%, आने वाले इसमें और होते तो ये टॉप 10 में होती। जोरदार तालियां। वेट किया था 84%, 82%, थर्ड पोजीशन भारती, बहुत ही ये आर्ट्स ग्रुप में 84% बहुत मार्क्स होते हैं। सेकंड पोजीशन पे रही है तनु कुमारी दिलिका 71% सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर हरियन बच्चों के लिए
जो लेक्चर है पॉलिटिकल साइंस श्री देवीचंद शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि पॉलिटिकल साइंस ये तीन बच्चे हैं जी, तीन बच्चे हैं हितेश कुमारी, नितिका कुमारी और विशाल कुमार। अब हम 19 सर के लिए लेक्चर पॉलिटिकल साइंस हैं श्री देवीचंद शर्मा जी, उसके कुछ मार्क्स लिए हैं हितेश कुमारी जोटा तालिया, साथ में आएंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री हैं ये 92%। इसके साथ साथ हिंदी विषय में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आता है अनामिका 94%। लिस्ट में तो नाम प्रिंट गलत हो गया है, ये अमन कालिया विद 94%। इसके साथ साथ प्रोफेशनल का विशाल कुमार और अमन कालिया ने 93% जोरदार तालियां पार्षद रियाल जी के लिए। इसके साथ ही हेल्थ केयर एक सब्जेक्ट है, हेल्थ केयर में सुनील कुमार मैं से निवेदन करूंगा कि जल्दी जो है मंच पे आए और अपना इनाम जो है मुख्य अतिथि महोदय से लें। इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट और है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, वो है इतिहास हिस्ट्री। अंक हासिल करना बहुत मुश्किल बात रहती है, लेकिन इनके अथक प्रयासों से और बच्चों के मेहनत से कांग्रेचुलेशन इन बच्चों को। इसके 93% है, इंग्लिश विषय पढ़ाते हैं श्री पवन कुमार सर, पवन कुमार जो है हमारा नाम यहाँ रोशन करेगी। आरुषि शर्मा 93, आरुषि शर्मा जो है यही रहेगी मंच पे। आदर्श सागर 94, आदित्य 92 और आदित्य 92, ये तीन छात्र हैं पढ़ाने वाले सर हैं श्री विजय सर, विजय सिंह सर टीच की नॉन मेडिकल, काइंडली जल्दी आ जाएं। आदर्श 94, आदित्य 92, विजय सिंह टीजीटी नॉन मेडिकल। नेक्स्ट हिंदी विषय छात्र जो हैं 90% से ऊपर रहे हैं। एक अगेन इम्पोर्टेंट विषय है सोशल साइंस, अगेन आरुषि शर्मा जोरदार तालियां आरुषि के लिए 94%। कीर्ति 93-70 आते थे तो हम बहुत खुश होते थे, आज 90-99% तक बच्चे जा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था कीर्ति 95, आदर्श नैना। मनोज सर आवाज सुन रहे हैं, जल्दी आए, मैथ्स में बिजी है, मैथ्स इंचार्ज मैथ्स में काम कर रहे हैं, मनोज सर जल्दी से आए हैं। नेक्स्ट आते हैं संस्कृत विषय कीर्ति 97, बहुत ही जो है ये हार्ड वर्कर साइंस, आज का जो समय है कंप्यूटर का जमाना है। आरुषि शर्मा 96 है ये त्रिलोक सर, जोरदार तालियां के लिए। देखो दूसरों के लिए जब तालियां बजती हैं अपने लिए तालियां बजती हैं कितनी अच्छी लगती हैं, दूसरों के लिए बजाया करो जोरदार तालियां। ये मैटर की परफॉर्मेंस है इस बच्चे की बहुत ही होनहार छात्र है, चमकता हुआ सितारा बनेगा हमारे। 10 इसकी अटेंडेंस है मैक्सिमम 410, जोरदार तालियां। ये टॉपर है, मेरी क्लास के टॉपर हैं, इसने इन बच्चों के लिए मनाया जा रहा है। इसमें 9th क्लास हनी कुमार, ये 100% इनकी एक भी असर नहीं है। 408 में से 408 के लिए विद्यालय आए हैं वर्किंग डेज में, जोरदार तालियां। हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि रोज विद्यालय आइए, और ये बच्चे जो हैं एक भी दिन, इनके माता पिता के लिए भी हम यहाँ से मुबारकबाद देना चाहते हैं कि एक भी दिन बच्चे को छुट्टी नहीं रुकाई, चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट। कीर्ति डॉटर ऑफ संजय कुमार 273 साहिल शर्मा, सन ऑफ श्री संजीव कुमार 273 आउट ऑफ 273। हरीना कुमारी डॉटर ऑफ प्रांत में, और मधु डॉटर ऑफ श्री महेंद्र सिंह, डॉटर ऑफ मेर सिंह, शालिनी डॉटर ऑफ चैनलाल। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां, एक भी अवसर नहीं है, जोरदार तालियां हो जाए, पीछे वाले ताली भी बजा रहे हैं। 12th क्लास आती है हमारी, 12th क्लास में सुनील कुमार डॉटर ऑफ श्री वीरेंद्र कुमार, आप सभी इकट्ठे हो जाएं। यशपाल सन ऑफ श्री उत्तम सिंह, यशु कुमारी डॉटर ऑफ श्री अशोक कुमार, अपना अपना इनाम देते जाएं। ज्योति डॉटर ऑफ श्री तिलकराज, और काजल कुमारी डॉटर ऑफ श्री त्रिलोक सिंह। इन होनहार बच्चे हमारे विद्यालय के आने वाले कल में ये बोर्ड में नाम कमाएंगे अपना, ऐसी हमें उम्मीद। Thank you.
धन्यवाद सर। ये थे हमारे, मैं सर से निवेदन करूंगा कि दो श्रीमती मधुबाला जी हैं, वो प्रधान है हमारी ग्राम पंचायत की, मंडलाध्यक्ष है हमारे बीच में, उनका स्वागत करें और वो अपने मेंटर जो हैं लें। इसके साथ साथ मनोज कुमार जी हैं, एसएमसी प्रेसिडेंट श्री मनोज कुमार जी हमारे बीच में बैठे हैं। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है, इनको प्राइज बच गया है, हमारे बीच में उप प्रधान से सम्मानित किया जाए, उप प्रधान श्री जरम सिंह जी। धन्यवाद सर। स्कूल के प्रोग्राम में उपस्थित सिरकंड स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज कुमार जी, जिला परिषद सदस्य निशा कुमारी जी, प्रधान सिरकुंड मधुबाला जी, उप प्रधान सिरकुंड पंचायत श्री जरम सिंह जी, युवा मोर्चा जिला महामंत्री रविंद्र कुमार जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता ज्योति शर्मा जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता नाथू राम जी, युवा मोर्चा से इंद्रेंद्र जी, भाजपा कार्यकर्ता रमेश जी, मान सिंह जी, एसएमसी के अध्यक्ष मनोज कुमार जी, एक्स उप प्रधान जर्म सिंह जी, रिटायर्ड एक्सिंग बेरलाल जी, मेरे साथ आए हुए हमारे चंबा के मंडल के अध्यक्ष विनोद कुमार जी, हरिपुर पंचायत के उप प्रधान श्री ललित जी, पुलियो पंचायत से आए मोनू जी, सिरपुर पंचायत के समस्त वार्ड मेंबर, वन विभाग से आए आरओ जर्म सिंह जी, आईपीए से आए जे साहब, बिजली विभाग से आए, ब्लॉक से आए, विभिन्न स्कूलों से आए अध्यापकगण, मीडिया से आए पत्रकार बंधु, स्कूल के सभी बच्चों के अभिभाविकगण और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं सिरकुंड पंचायत की तमाम जनता का, क्योंकि मैं लोकसभा इलेक्शन के बाद पहली बार यहाँ आया और इस लोकसभा इलेक्शन में सिरकुंड पंचायत के जितने हमारे तो सिरकुंड पंचायत से इतनी लीड आई किया, इनके लिए मैं तमाम लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रिंसिपल सिरकुंड मनोज जी का और तमाम स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारा इतना गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और आज तो मेरी एक मीटिंग भी थी बड़ी, मैंने कहा आज अगर कैंसिल की कोई कांगड़ा से हमारे प्रदेश के महामंत्री आए हुए थे, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की, मैं प्रिंसिपल साहब का ही बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा, मैं तहे दिल से तमाम स्टाफ का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ आकर तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि आप बताए मत, और खासकर मैं प्रिंसिपल साहब ने जिस तरह से ये स्कूल को ये चला रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और मैं तो और जितने यहाँ अध्यापक आना है, मैं अभी जब प्राइज यहाँ दे रहा था बच्चों को तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ, यहाँ पर बच्चे खेलों में भी और पढ़ाई में भी, और इसके लिए जितने भी यहाँ टीचर लगे हुए मैं उनका भी उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हर सब प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर प्राइमरी की क्लासेस शुरू की इन्होंने और बच्चों को आपने दो दो वृत्तियाँ फ्री दी इन्होंने, और स्कूल के लिए आंगनबाड़ी भी, कई लोग कह रहे थे कि अब ये प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू हो आंगनबाड़ी बंद हो जाएगी, आंगनबाड़ी भी ऐसे चल रही और आंगनबाड़ी को जो इन्होंने जो आंगनबाड़ी वर्कर थे उनका उनकी फीस भी इन्होंने बता दी है इनकी, और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दे रहे हैं और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए
इन्होंने स्कूल में ही हर एक बच्चों का स्वास्थ्य जांच का भी इन्होंने प्रबंध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जैसे कि प्रिंसिपल साहब ने कहा कि यहाँ पर स्कूल के दो कमरों के लिए 17 लाख रुपए इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री दिया था और उसका काम तकरीबन पूरा हो गया। थोड़ा सा अभी प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं थोड़ा सा काम है, मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से अभी जाके बात करूँगा, जो पेंडिंग काम है इसको भी जल्दी से जल्दी कराने की पूरी कोशिश करें। इसके साथ ही एक सरोल से सिरकुंड के लिए मेरे ख्याल में 5-6 सड़कें थी और उसमें से मेरे को माननीय मुख्यमंत्री 2 सड़कें बताओ आप। तो एक मैंने मरिडी से सिलंगराज और एक मैंने ये सरोल से सिरकुंड मसरून के लिए थी, मैंने ये 2 सड़कें दी और सारे सिरकुंड पंचायत के लोगों में मैं मुबारकबाद देता हूँ। 26 करोड़ रुपया जो है वो इस रोड पे लगेगा वाइंडिंग के लिए, इसके लिए, और सिलंगराज के लिए 13 करोड़ रुपया, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक अभी 22 तारीख को एक शिलान्यास होना था चंबा यहाँ सरोल में हरिपुर में, हमारे माननीय आईपीएच मिनिस्टर महेंद्र सिंह जी ने आना था परंतु किसी कारणवश उनका जो है प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब ये 5 तारीख को होगा और इसमें मेरे ख्याल 6-7 करोड़ रुपए की जो एक स्कीम आईपीएच की चली हुई है, इसमें सरोल हरिपुर और सिरकुंड का कुछ एरिया इसमें आ रहा है, जितनी पुरानी पाइपें हैं वो सारी चेंज हो जाएगी और ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। इसके साथ ही ये करकरां की सड़क का जी, ये बड़ी पुरानी सड़क है और इसके टेंडर भी हो चुका है परंतु फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं थी। और मैंने एक दिन डीएफओ साहब और एक्शन साहब को बोला कि आप दोनों इकट्ठे बैठो, इसमें जितने भी कोई अगर फॉर्मेलिटी पूरी इसको जल्दी से जल्दी किया जाए, और इसकी सारी फॉर्मेलिटी जो है इन्होंने पूरी करके देहरादून चली गई है और मेरे को लगता है इसका काम भी जल्दी से जल्दी जो शुरू हो जाएगा। और जितने काम इस सिरकुंड पंचायत में मेरे ख्याल बाकी पंचायतों में भी नहीं हुआ। एक लिंक रोड थी कुड़गल से, उसका काम कंप्लीट हो गया है। एक इन्होंने डिमांड रखी है लिंक रोड भुल्लू से चौधर, ये भी कंप्लीट है। एक पक्का पाथ था तोसा से नंदलेरा, इसका एग्रीमेंट हो गया, इसका काम भी शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही एक सिरकुंड स्कूल का सड़क का निर्माण जो आपके सामने ये चला हुआ है ब्रेस्टवार स्कूल लड्डी, इसका काम भी कंप्लीट हो गया है। आंगनबाड़ी रिपेयर नंदलेरा, इसका काम चला हुआ है। पक्का पाथ नंदलेरा 2 लाख रुपए दे दिए, इसका एग्रीमेंट भी अभी प्रधान जी ने बोला इसका एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और जैसे मेरे को उप प्रधान जी ने बड़ी दिन से मेरे पीछे पड़े थे कि नंदलेरा के लिए 2 कमरे चाहिए इसके लिए जीएमएस के लिए, तो इसके लिए भी 8 लाख रुपए जो है 2 कमरों के लिए चाहिए। और इतने काम मेरे ख्याल आज तक नहीं कभी हुए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार जी से धन्यवाद, किसी चीज़ को इनकार नहीं करते हैं। एक और डिमांड आई कि यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है घर ग्राम है, इसको मिडिल स्कूल किए जाए, तो इसकी भी मैं प्रधान जी को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसकी मैं माननीय मुख्यमंत्री बात करें, इसको भी जल्दी से जल्दी करें। एक और यहाँ जिला परिषद जी ने भी इनका एक डिमांड रखी है, शीतला माता मंदिर यहाँ पर इनका इन्होंने सराय भवन है, ये बड़ी पुरानी डिमांड है इनकी, तो इसको भी हम जल्दी से जल्दी पूरा इसका एस्टिमेट मेरे घर दे दिए। हाँ, तो जल्दी से जल्दी इसको भी पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। एक प्रिंसिपल महोदय ने कहा था कि स्कूल की, मैं अभी पीछे चक्कर लगा रहा था, पूरा चेक किया मैंने, छत सारी लीक कर रही है, फर्श भी टूटा हुआ है, मैंने अभी जे साहब को बोल दिया इनको कि इसका जो है एस्टिमेट के शर्मा जी को इसका एस्टिमेट जल्दी से जल्दी बना के मेरे को दे ताकि हम इसका पैसा उपलब्ध करा सकें, एक फर्श और ये जो छत जो है। एक प्रिंसिपल महोदय ने एक और बोला था कि ये जो हमारी आगे की जगह खाली है इसके ऊपर जैसे सरोल स्कूल में जैसे ऊपर छत पड़ी हुई है वैसे यहाँ पर भी डलवाई जाए, तो इसके लिए मैंने कहा इसको अलग एस्टिमेट बनाया जाए, इसकी भी पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये भी काम हमारा हो जाए।
एक ये बाउंड्री वॉल है इनकी, इनका आधा काम तो मेरे पंचायत ये कर रही है, बाकी जगह खाली है, तो इसका भी एस्टिमेट बना के आप दे दीजिए। जैसे जैसे टाइम लगेगा वैसे वैसे ये काम होगा, परंतु आपका जो छत का और जो फर्श का है ये आपको पैसा जल्दी से जल्दी उपलब्ध जो है इसका हमारा हम करा देंगे। इसके साथ ही मैं आईपीएच जो हमारी यहाँ पर स्कीमें हैं, एक वाटर सप्लाई स्कीम है भटनाला घर ग्राम, इसका काम जो है चला हुआ है और बहुत जल्द इसका काम जो है कंप्लीट होने वाला है। एक वाटर सप्लाई स्कीम है गुराड रुडार से, इसके 7 लाख ए बी एस पी में है, इसका भी काम चला हुआ है। एक और मैंने स्कीम बनाई थी जिसे 35 करोड़ रुपए की, उसका भी सिलेना साहब माननीय मंत्री जी ने कराना था परंतु वो नहीं आ सके। इसमें हमारा कुछ एरिया सिरकुंड का है और ये सिला घाट है, जुडेर है, पल्यू पंचायत है, बरौर है, इसमें 35 करोड़ रुपया जो है इसमें खर्च होगा। इसका टेंडर लग चुका है और इसमें जितनी पुरानी पाइपें हैं सारी नई स्कीमें बन रही हैं, क्योंकि बड़े लोगों की डिमांड थी, कहीं बोलते हैं कि पाइप लीक है जी, पानी नहीं आ रहा जी, तो जितनी भी वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं मेरे ख्याल इस बार 100 करोड़ रुपया इस वक्त आई पी एच डिपार्टमेंट को माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। मैं पहली बार जब जीत के आया और जीतने के बाद मैंने स्कूलों का दौरा किया, बुलाया उन्होंने, मैं चला गया ये चील बंगला और वहाँ पर औरतें खड़ी होगी, देखिए 500 औरतें और उन्होंने हाथ में ताला लिया हुआ था कि ये प्लस टू स्कूल है और एक भी टीचर नहीं है, सिर्फ एक प्रिंसिपल है, उसकी ड्यूटी भी कहीं लगी हुई है। तो मैंने सोच फिर डिप्टी डायरेक्टर को भी फ़ोन किया कि मैं क्या थोड़ी शर्म करो यार, अगर एक टीचर तो यहाँ पर होना चाहिए। और आज बड़ी खुशी की बात है, मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा था और मैं जहाँ भी गया वहाँ टीचर बिल्कुल तकरीबन 90% टीचर वहाँ पर पूर्ण है, यहाँ पर भी एक टीचर नहीं था ज्योग्राफी का और एक पी एन की खाली है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये फैसला किया था कि एक साल में मैं कोई भी नया स्कूल नहीं खोलूँ जब तक कि ये हमारा स्टाफ पूरा ना हो जाए। पिछली सरकार थी स्कूल खोलेंगे और टीचर आएंगे। अभी मैंने जितनी भी डिमांड मिनिस्टर में आए थे मुख्यमंत्री से रखी थी स्कूलों के बारे में, उन्होंने स्कूल भी सेंक्शन किए और स्टाफ भी सेंक्शन किया साथ में, यदि कि स्कूल खोल दिया और टीचर उठा लिया कोई सुरौल से, कोई हरिपुर से, कोई किसी और से, और स्कूल वहाँ स्कूल चालू कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री वही